Subscribe to my channel and click on the bell icon to get notifications about new videos. Hey guys, this is Mashir and you're watching Mobile Phone Law. और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैमसंग की M सीरीज़ के बारे में. सैमसंग की M सीरीज़ में कुछ टाइम पहले स्मार्टफोन लॉन्च हुए थे जिसमें M10 था, M20, M30, M40 जो कि एक्चुअली में लॉन्च किए गए थे चाइनीज़ ब्रांड्स को टक्कर देने के लिए, क्योंकि सैमसंग कुछ टाइम से जब भी मोबाइल लॉन्च कर रहा है बजट सेगमेंट के अंदर उनकी सेल काफ़ी ज़्यादा डाउन जा रही थी पहले की नस्बत, जबकि चाइनीज़ ब्रांड्स के मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहे थे, क्योंकि चाइनीज़ जो ब्रांड्स हैं वो आपको कम बजट के अंदर काफ़ी अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड कर रहे थे. तो इसी लिहाज से सैमसंग ने सोचा कि हम भी बजट सेगमेंट के अंदर एक नई सीरीज़ लॉन्च करें, जिसमें उन्होंने रखा सैमसंग M सीरीज़. तो इस तरह उन्होंने सैमसंग की M सीरीज़ का आगाज़ किया, जिसमें उन्होंने M10, M20, M30, M40 ये स्मार्टफोन लॉन्च किए, तो जिनकी काफ़ी ज़्यादा सेल हुई. तो अब सैमसंग अब इसको नया वर्जन लॉन्च करने जा रहा है, जिनको अपग्रेड करने के बाद सैमसंग M21, M31, M41 ये स्मार्टफोन सैमसंग जल्दी लॉन्च करने वाला है. इन स्मार्टफोन की कुछ लीक्स हमें निकल कर आई हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं इन स्मार्टफोन में हमें क्या देखने को मिलता है. इन लीक्स में जस्ट हमें कैमरा, प्रोसेसर और रैम के हवाले से कुछ लीक्स सामने आई हैं जो कि कम्प्लीट डिटेल्स नहीं है, तो इनको ही हम डिस्कस कर लेते हैं. सबसे पहले अगर हम M21 की बात करें तो इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है वो 9609 एक्सिनोस का चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि सैमसंग का अपना ही चिपसेट है. और अगर हम कैमरास की बात करें, इसके बैक पर आपको 24 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि एज ए मेन कैमरा तौर पर इस्तेमाल होने वाला है, जबकि इसके साथ आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल, मतलब कि इसके अंदर डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा बैक साइड पे, 5 मेगापिक्सल एज ए डेप्थ सेंसर के तौर पे इस्तेमाल होने वाला है. जबकि इसके अगर हम बात करें इसके रैम वेरिएंट, इसके अंदर आपको 4GB की रैम देखने को मिल सकती है. जबकि अगर हम बात करें सैमसंग के M31 की, तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट देखने को मिलने वाला है. कैमराज के हवाले से इसके अंदर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एक कैमरा होगा 48 मेगापिक्सल का, प्लस में होगा आपको 12 मेगापिक्सल का, प्लस में होगा 5 मेगापिक्सल, मतलब कि 48 मेगापिक्सल एज ए मेन कैमरा होगा, जबकि 12 मेगापिक्सल एज ए वाइड एंगल के तौर पे इस्तेमाल होने वाला, जबकि 5 मेगापिक्सल एज ए डेप्थ सेंसर के तौर पे इस्तेमाल होगा. इसके अंदर आपको जो रैम मिलेगी वो 6GB की रैम होने वाली है. अगर हम सैमसंग M41 की बात करें, स्मार्टफोन के अंदर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी देखने को मिलेगी और साथ में आपको कैमरा सेटअप भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर एग्जिनॉस का 9630 का चिपसेट लगाया गया, जो कि सैमसंग का अपना चिपसेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही पावरफुल चिपसेट है. और साथ में जो कैमरा सेटअप है वो भी आप हैरान हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे कैमरा सेटअप लगाए गए हैं. 3 कैमरा सेटअप हैं इसके अंदर, जिसमें एक मेन कैमरा जो कि लगाया गया 64 मेगापिक्सल का, जी हाँ 64 मेगापिक्सल, वो भी सैमसंग की तरफ से. और इसमें आपको कैमरा की क्वालिटी तो वाकई में बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है. और साथ में आपको मिलने वाला है 12 मेगापिक्सल, जो कि वाइड एंगल के तौर पर इस्तेमाल होगा, जो कि साथ में आपको मिलेगा 5 मेगापिक्सल का, जो कि एज ए डेप्थ सेंसर के तौर पर इस्तेमाल होने वाला है. ये 3 कैमरा सेटअप होने वाले हैं और एक्चुअल में आपको इसकी कैमरा की क्वालिटी बहुत ही अच्छी देखने को मिलने वाली है. बस मैं खुद भी इंतजार कर रहा हूँ कि स्मार्टफोन जल्दी लॉन्च हो जाए. तो इसके अंदर भी आपको 6GB की रैम देखने को मिलेगी. और अब आपने मुझे बताना है कि कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि कौन सा स्मार्टफोन जिसका आप वेट करना पसंद करेंगे. मैं तो एक्चुअली में M41 का ही वेट करूँगा, क्योंकि इसके अंदर जो कैमराज मिलने वाले हैं वो एक्चुअली में बहुत अच्छे होने वाले हैं. तो सिर्फ कैमराज के बिना पे मैं स्मार्टफोन को ज़रूर टेस्ट आउट करना चाहूँगा कि स्मार्टफोन कैसा इस कैमरा परफॉर्म करता है. तो फ्रेंड, ये हमारी आज की वीडियो थी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. It ain't my fault.